गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके सरन हेलो। चलिए हम लोग एक दो मिनट के लिए, तो पीरियोडिक टेबल नेट के लिए विक्रांत हाय। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड अगर आप देखेंगे, अर्निका प्रतिभा सभी को हेलो गुड इवनिंग। अगर आप हर ईयर के क्वेश्चन स्वरूप आशुतोष प्रदीप बहुत अच्छे ध्रुव पुनीत चले सभी को गुड इवनिंग। और अगर पुनीत नमस्ते, ठीक है चले हम बात करते हैं प्रायोरिटी टेबल के लिए। हमारे पास 1 आवर का टाइम है और इसमें हम लोग मैक्सिमम अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर डॉक्टर रुचि गुड इवनिंग। चले हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में अगर आप जब भी आप पीरियोडिक टेबल का वेटेज देखेंगे तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर इससे मिलेगा। और कई बार डायरेक्ट हो सकता है कि सवाल ना हो, बट इसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको कई सारे क्वेश्चंस और बन जाएंगे। राहुल गुड इवनिंग, मैं सभी को सुन रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चलिए। पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्चुअल है। कई बार अगर पीरियोडिक टेबल आपका बहुत अच्छा है तो डी एंड एफ पी ब्लॉक कई जगहों पे आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो इसके डिपेंड करता है कि कितना डीप लेवल में आप इसे पढ़ते हैं। ओके आशुतोष हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने एक फेवरेट क्वेश्चन से करता हूँ जब भी मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बार नीट का सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। ओके प्रांजल लेबोजियर थैंक यू इनका नाम लेने के लिए। ओके चलिए। आप देख सकते हैं नीट 2019 का ये आपका पीरियोडिक टेबल का सिलेबस है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ रेडियाई आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंस, ये आपका सिलेबस है जो नीट मेंशन करता है, ठीक है। और अपने आप में ये सारे टर्म बहुत बड़े हैं, तो जितना पढ़ेंगे उतनी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एक एक पॉइंट कई सारे कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे इनोवेट हुआ है, कैसे इसके क्वेश्चन डील होते हैं, हम इसको बातें करेंगे। चलिए ओके सभी लोग, मैं सभी को देख रहा हूँ, हाँ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ ध्रुव, सो परेशान मत होइए। और ये आज पहला लेक्चर मैं हिस्ट्री इसकी नहीं बता रहा हूँ, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है वो मेंडलीफ और मोजले का वो वर्क, बट आपके सिलेबस के हिसाब से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का सबसे बेसिक क्वेश्चन, आप बहुत छोटे क्लासेस से आप इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसे देखिए, हाँ बिल्कुल श्री शिवा, एम्स में भी इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये आपका पहला सवाल है। मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, और इसे मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इफ आवर एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल हैव 9 पीरियड इंस्टेड ऑफ 7, हमारा पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है डियर? 7। ये बहुत बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है आलोक, 7 पीरियड होते हैं, बट 7 की जगह अगर 9 पीरियड होते तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट होते? वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। और मैं चाहता हूँ अगर पीरियोडिक टेबल आपको विजुलाइजेशन है, अगर इसका फील है, तो मुझे लगता है कि आप में से हर बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत इंजॉय करेगा। अभी जस्ट क्लास ये स्टार्ट हुई है, आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। ओके सूर्यकांत गुड इवनिंग, 144 प्रांजल का पहला आंसर आया। मैं आज हर एक ऑप्शन रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने और आप बहुत स्टडी करें, सेल्फ स्टडी में आपको बहुत इंटरेस्ट आए इस चैप्टर को पढ़ने में, और घर पे भी आप खूब मेहनत करें इस पर। सभी लोग दो बच्चों का एक आंसर है 162, मैं सब नोट करते चलता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 136, ओके 162, और सभी लोग मुझे सभी का आंसर चाहिए। दो बच्चों का आंसर आ रहा है, दो बच्चों का ज़्यादातर यही ऑप्शन आ रहे हैं, 136 भी एक ऑप्शन आया। ओके आई थिंक इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता डियर, और ये हर किसी को आप में आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल 154, सी द 154 भाई, चार ऑप्शन आपके पास आ गए, ठीक है।
113 ध्रुव बच्चे कैसे होगा, 118 तो पहले से ही होता है, ठीक है बच्चे ध्यान दीजिए। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैं आपको जितना भी न्यूमेरिक सिखा दूं कि आप पीरियोडिक टेबल रट के आप बैठ जाए, एक सिर्फ गुड फील आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वन क्वेश्चन को मैक्सिमम 60 सेकेंड दिए गए हैं, ओके एक 290 भी आंसर आया, सो देखते हैं एक बार आंसर क्या आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, तो मुझे लगता है कि आंसर मैक्सिमम लोगों ने गलत दिया है। नहीं नवनीत, आज कंप्लीट नहीं होगा, बट पीरियोडिक टेबल के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सो सबसे पहले सेवेंथ पीरियड तक कितने एलिमेंट होते हैं डियर, 118, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज अनऑक्टियम, ये सभी को पता है। सेवेंथ पीरियड तक कितने होते हैं डियर, 118, ओके अब मैं आगे देखता हूं। बट आपने कभी ध्यान दिया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है 192, देखिए नए नए आंसर आ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज की यही ब्यूटी है। आप क्या सोचते हैं और आपके जो कंपटीशन में आपके दोस्त वो क्या सोचते हैं, सारे आंसर दिख रहे हैं। सो 192 देखते हैं एक बार आंसर क्या होगा इसका। तो अब एक मैजिक नंबर आप नोट कीजिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैजिक नंबर। किसी को पता है ये क्या नंबर होता है, सभी को पता है ये 288 1818 3232, ये एक मैजिक नंबर है जिसमें हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। देखिए मुझे लग रहा है सारे बच्चों का आंसर गलत है, और सी अब हम क्या करेंगे सीख कर, हम मैं ये रट के बैठ जाऊं किसका ये एटॉमिक साइज बड़ा है ऐसा है, मैं देखता हूं क्वेश्चन कितना अच्छा आंसर आएगा इसका, ठीक है देखिए। और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूं और आपको एक ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीरियड नंबर वन का जो आखिरी एलिमेंट है वो क्या है, हीलियम, और एटॉमिक नंबर क्या है डियर, टू, आप यहां देखिए टू है, फिर क्या है नियोन, उसमें क्या टू में अगर आप ऐड एट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 10, ठीक है, और फिर एट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 18 32, तो ये है मैजिक नंबर। तो आपने यहां तक तो स्टडी किया, देखिए सबसे पहले 2 प्लस 8 ऐड हुआ तो 10 प्लस 8 18 प्लस 32 तो क्या बन गया 36, फिर 54 और इसी तरीके से एडिशन होते जा रहा है, दैट इज द मैजिक नंबर। और अभी भी बच्चों का आंसर सही नहीं आया है, 154 146 भी आंसर गलत है। अब देखते हैं, तो ये था सेवेंथ पीरियड की कहानी। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स एंड दिस इज सेवन, यही तो नंबर ऐड हो रहा था। तो अब मैं चलता हूँ हाइपोथेटिकल जोन में, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँगा तो ये 50-50 होगा डियर। ये नंबर किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, 2n² को, देखिए अभी भी आंसर गलत आ रहा है। सिंधु का शायद आंसर थोड़ा क्लोज है, क्या बात है आशुतोष, बढ़िया देखते हैं आंसर। सभी लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई करने से मत भागिए। देखिए अगर मैंने 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 8 आया, 3 रखा तो 18 आया, 4 रखा तो 32 आया, और 5 रखेंगे तो क्या आएगा डियर 50, क्या आएगा 50। इसका मतलब 8th पीरियड में 50 एलिमेंट होंगे और 9th पीरियड में 50 एलिमेंट होंगे। अरे तो 118 तो यहीं तक था और साथ में 100 ऐड हो गया तो आंसर क्या हो गया 2018। अब देखिए बच्चों के आंसर सही आना स्टार्ट हुआ। फैजान हाजी बहुत अच्छा, शीतल, अभिषेक, आशुतोष बहुत अच्छे है सब आंसर है। नीट आप देख सकते हैं आपका 246 ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो ये आई होप ये सभी को ये क्लियर हो रहा होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक था, ठीक है। अच्छा ये किसको प्रॉब्लम है एक बार मुझे बताइए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डियर बताइए। यही तो नंबर है ना जो ऐड होते गया है और जिसके बेसिस पर नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। मैं आज कम से कम 6 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सिर्फ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। सो टू समझ नहीं आया, ओके क्रिएशन आप अभी जस्ट आए हैं शायद इसलिए। देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। सो 288 1818 3232, अरे आपको यही तो नहीं पता था कि 8th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे और 9th पीरियड में एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। और ये नंबर को विजुलाइज कैसे कर रहे थे डियर, 2n² अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2 आया और जब 2 पुट करेंगे तो
8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 18 आएगा, तो जब 5 पुट करेंगे तो 50 आएगा। बिल्कुल, मैं सारे आंसर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर 10 पीरियड होता तो 72 आता, ठीक है। अगर कोई आपसे कल के डेट में 10th का पूछेगा तो आप 72 पुट कर देंगे, ठीक है। इसका जो रियल एक्सप्लेनेशन है वो क्वांटम नंबर से आएगा, बट हम इस मैथ्स के ट्रेंड को स्टडी करके क्वेश्चंस कर सकते थे। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं आपके दोस्तों में कितने लोगों ने गलत किया। बट गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए कि आपने कुछ नया सीखा। अगर गलती नहीं होगी इसका मतलब जहाँ हैं वहीं हैं आप, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगर 11 पीरियड होता, मुझे एक बार बताइए सभी लोग, एक बच्चा पूछ रहा है जी एन टी, अब 50 आ गया ना डियर, 2n स्क्वायर में अगर आप 5 पुट करोगे n की जगह तो 50 आएगा डियर, ठीक है। इसका रियल एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वांटम नंबर से आएगा। बट हम एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप रिवाइज करके रखना। जब हम आने वाले सवाल में जब आएंगे तो हम आने वाले क्लासेस में मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ओके, मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, एक बच्चे ने 11th पीरियड में कितना होगा, अगर पीरियोडिक टेबल में 11th पीरियड होते तो कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे, एक बच्चा पूछ रहा था। क्या तो क्या हो जाता मैजिक नंबर, आप बनाते रहिए, 18 18, 32 32, एंड 50 50, 72 72, क्योंकि 2n स्क्वायर में इस बार 6 रखेंगे तो 72 आया। तो यहाँ तक 118 प्लस 100 प्लस 72 प्लस 72, ये सम कितना आ रहा है बच्चों, एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप में से एक बच्चों ने सवाल पूछा इसीलिए मैं इसको बताना जरूरी समझा। तो क्या हो जाएगा, 218 प्लस 72 प्लस 72, ये 362 आ रहा है, बहुत अच्छे। अब देखिए सारे बच्चों के आंसर सही आने लगे, दैट इज 272, ठीक है, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, 362, दिस इज 362, नथिंग एल्स, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बेसिक्स को पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बात है, स्क्रीन पे किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक नए अंदाज में पूछता हूँ, मुझे कौन बताएगा, ओ लुकेश्वर, जय हिंद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, स्क्रीन पे किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, एग्जैक्टली। सो 11th पीरियड में, 11th पीरियड तक, अच्छा इस जैसे आपने जाना कि 8th पीरियड में 50 एलिमेंट होगा, 9 में भी 50 होगा, 10th में 72 होगा और 11th में 72 होगा। इसको मैं फॉर्मूलेशन अगर कर दूं तो देखिए एक मजेदार फार्मूला बनेगा। सबसे पहले इसे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑड नंबर ऑफ पीरियड, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगी। ओके फैजल, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑड नंबर ऑफ पीरियड, बच्चे कितना शानदार फार्मूला है, आप इसे नोट करना पहले, ऑड नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 2n+1/2 होल स्क्वायर। आप इसे देखिए, अगर पीरियड नंबर 1 है, 1 को पुट कीजिए, 1+1 2 2/2 1 2 × 1 2, अगर आप 3 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 3+1 4/2, तो बच्चे क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 × 8। आप जिंदगी में कभी यह गलत नहीं होगा, आप फॉर बिल्कुल इवन के लिए यह हो जाएगा डियर, स्क्वायर है। और जान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कई सारे सवाल आपको ये हेल्प करेगा, इनऑर्गेनिक की यही प्रॉब्लम है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको इंजॉय कीजिए। अगर ऐसा समझिएगा कि चैप्टर एंड हो गया और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, इनऑर्गेनिक में इसीलिए लोग दूर जाते हैं इसे। जैसे मैं अगर बात करूँ पीरियड नंबर 7 की, तो 8/2 32, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, और अभी हाइपोथेटिकल पढ़ा था हमने P9 पीरियड नंबर 9, तो क्या आ जाएगा, 10/2, देखिए फिर से ये 50 आ रहा है, 11 72 आएगा, बिल्कुल पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा डियर, आप जैसा कहेंगे। और जब इवन नंबर होगा तो 2 × n/2+1 का होल स्क्वायर, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए इस फॉर्मूले को, ऑड के लिए हो गया और ये इवन के लिए क्या हो जाएगा, 2 × n/2+1 का होल स्क्वायर। आप एक चीज याद रखिएगा,
इस तरह के क्वेश्चंस आईटी में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एम्स में आने का बहुत ज़्यादा आसार है आप इस तरह के क्वेश्चनों का, ठीक है। सो अगर मैं 2 रखता हूँ ऑड इवन नंबर में, तो 2 by 2 1 1 plus 1 2, और क्या हो जाएगा 2 into 2 4 into 8, तो पीरियड नंबर 2 में कितने आ रहे हैं 8, 6 में कितने आएंगे 6 by 4 32। इसी तरीके से अगर 10th रखिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए, बिल्कुल 72। कभी गलत नहीं होगा डियर, कभी आपके आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्बिटल पेशेंस रखिए, मैं खुद चाहता हूं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे करो। ओके शत्रुघ्न, मैं स्लो हो जाता हूं, ठीक है, मैं खुद चाहता हूं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करूं, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, सेकंड क्लास में ऑर्बिटल के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार मैं आपको अगर बहुत अच्छे लेवल पे अभी लेके चला गया थोड़ी दिक्कत आएगी, डोंट वरी, आप मेरे साथ बने रहिए, सेकंड लेक्चर से हम बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब कई आपके नीट का और एम्स का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सवाल है वो ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नेम के ऊपर। तो मैंने जो इस पे जिस तरह से फ्रेम किया है क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपके सवाल की कमियों के हिसाब से ही थ्योरी बताऊंगा। ओके, नीट वाली स्टडी, ओके, आप रिपीट करने कह रहे हैं डियर, शायद यहाँ पे और किसी, मैं आपको फिर से बाद एक बार रिवाइज कर दूंगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आप इसे बनाइए। वट आर द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, और डियर अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट जवान पे नहीं है तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक में और बहुत सारे चैप्टरों में प्रॉब्लम होने वाली है। नितेश, डोंट वरी, और वाइटल इज द, और वाइटल किससे आता है, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, श्रोडिंगर से, श्रोडिंगर इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, डोंट वरी, हम स्टडी करेंगे इस लेवल पे, पढ़ेंगे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आलोक, सॉलिड स्टेट नीट, बिल्कुल कभी नहीं सॉलिड स्टेट हटा है डियर, पिछले साल 12th की जगह 11th में हो गया था और इस बार शायद वो वापस से, ऑर्बिटल उसका हाफ हो जाएगा डियर, बट मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा सुप्रिया, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आज ही के क्लास में मैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रिडिक्ट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नेम, सभी लोग ऐसे बताइए, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नेम, ये सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन, इसी सीक्वेंस में आप आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर से मत घबराइए, सभी लोग आंसर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, यही आपको ऊपर ले जाएगा। नवनीत, तीनों आंसर दीजिए, पीरियड, ग्रुप, और एक बच्चे ने पीरियड कहा 5, देखते हैं पीरियड कहा 5, आगे देखते हैं। आलोक मिश्र, ओके, ए ब्लॉक, 6 3 F, किन का आंसर है, पिल्लई, सो 6 3 and F, एक बच्चे का ये पेयर आया, ठीक है, 3 F, शत्रुघ्न, सभी लोग, हाँ बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन डियर, घबराइए मत, न्यूज, कसनगंज न्यूज, मैं आपको बता रहा हूँ, मत घबराइए इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो देखिए, ब्लॉक नंबर F, सबसे पहले, अच्छा मुझे एक ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को बनाया, अप्रोच कैसे किया, कितने लोगों ने, ये जो एटॉमिक नंबर है 67, आपने कितने लोगों ने इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया, मुझे ईमानदारी से इसका आंसर चाहिए। देखिए, कई लोग सिक्स, इसको पी पीरियड भी बता रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छा आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों ने, मुझे ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से कितने लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सिवा मी, सभी लोग, जितने लोगों ने भी आंसर दिया मुझे चाहिए, बच्चे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग, जिनका भी 63F था वो आंसर बिल्कुल सही था। देखिए, ग्रुप नंबर 14 आ रहा है, ठीक है, अच्छा बच्चों आप बताओ, आप कभी भी एग्जाम में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखने में कितना टाइम जाएगा, आपको लगता है कि आप नीट जैसे एग्ज़ाम में, जिपमर जैसे एग्ज़ाम में, एम्स जैसे एग्ज़ाम में आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने का टाइम मिलेगा आपको, इसीलिए ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, एक चीज़ याद रखना था जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, अरे कुछ भी भूल जाना
आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर क्या क्वेश्चन था डियर? 67। अरे 67 मतलब 54 के तो बाद ही आएगा ना, क्योंकि फिफ्थ पीरियड का ये आखिरी है, और जब फिफ्थ पीरियड का ये आखिरी है तो और सिक्स पीरियड का आखिरी क्या होता है? 86, मतलब ये फिफ्थ के बाद या और सिक्स में ही आएगा, तो पीरियड तो कभी गलती नहीं होगा, पीरियड क्या हो जाएगा? 6। बट आपको एक चीज अभी बहुत सिंपल लग रही होगी, बट जिंदगी में चाहे कुछ भी भूल जाइएगा, पीरियोडिक टेबल के स्टडी के टाइम में कभी ये मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बड़ी गलतियां होगी, आप चाह के भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाउ रूल सीखकर नहीं लिख सकते, ठीक है? बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। तो सबसे पहले आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में यही सोचना है, कहीं ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तो नहीं? अगर ऐसा है तो आंसर वहीं पे क्लियर हो गया। सो लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ होता है डियर? लेंथेनाइड्स सीरियम, दैट इज 58। सो लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ होता है? सबसे पहले तो लेंथेनम होता है 57। तो कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लेंथेनम कहाँ का है, एफ ब्लॉक का? ऐसा नहीं है, सीरियम से स्टार्ट होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं, आपको मेमोराइज करना होगा डियर, ठीक है? और ये कहाँ से कहाँ होता है? सीरियम से ल्यूटियम, दैट इज 58 to 71। तो इसको मैंने फिर से कहा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको ये नज़र लगाना है कि कहीं ये एटॉमिक नंबर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से तो नहीं है, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का ये सीरीज आपको याद रखना होगा, वरना गलतियां हो जाएगी। देखिए 58 से 71 ये कहाँ होता है? लेंथेनाइड में। और थोरियम 90 to 103 कहाँ होता है? एक्टिनाइड में। तो लेंथेनाइड जैसे ही मैंने बोला सिक्स पीरियड, एक्टिनाइड जैसे ही कहा सेवेंथ पीरियड, और सारे के सारे ये 28 एलिमेंट थर्ड ग्रुप में होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये, और एफ ब्लॉक तो क्लियर ही है। तो जितने बच्चों ने 63F कहा था बिल्कुल सही आंसर है। देखिए तो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा सवाल आए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले कहीं ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तो नहीं। तो 67, अरे ये तो लेंथेनाइड का है, 10 सेकेंड, ओके लेंथेनाइड्स थर्ड ग्रुप सिक्स पीरियड ए ब्लॉक आंसर हो गया। क्योंकि आप एक अफवाह रूल सीखकर आप 118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 100% नहीं लिख सकते, और फिर आपको कह दिया जाएगा ये एक्सेप्शन है, आप इसे रट लो। और साइंस में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता, हर चीज का लॉजिक होता है, भले हमें ना आए। साइंस और इनऑर्गेनिक में लॉ जो एक्सेप्शन आता है वो क्या होता है? हमारे थ्योरी का एक्सेप्शन होता है। हमें इतनी सारी चीज़ें आती ही नहीं है जनरलाइज फॉर्म में कि एक ही थ्योरी से हर चीज़ डिराइव हो जाए। इसी कारण से इनऑर्गेनिक को जो मार्केट में बहुत ख़राब किया गया कि ये रटने वाला टॉपिक ऐसा नहीं है, और ख़ास करके एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन है यार, सबसे बेहतरीन है। आप सोचो आप फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, आप सर्जरी करोगे तो इम्प्लांट्स पे काम करोगे, इम्यून सिस्टम एक छोटी से छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, बट इतने बड़े मेटालिक रॉड्स हम शरीर में फिट कर देते हैं और उसे वो एक्सेप्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम की दोस्ती बायोमटेरियल्स करवाए गए इनऑर्गेनिक। आपकी सारी मेडिसिन ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। तो इनऑर्गेनिक तो मेडिकल के बच्चों के लिए मैं तो समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है प्रैक्टिकली, इसलिए इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, डिफिकल्टी होगी, साइंस एक दिन में नहीं आता है। चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ठीक है? तो आज से जब भी कोई सवाल करेंगे इस तरह का, मैं अभी नीट के कई सारे सवाल करने वाला हूँ, ठीक है? सो दिस इज लेंथेनाइड एंड दिस इज एक्टिनाइड, ये सभी को आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलिए आपके अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आपके मेडिकल में बहुत ज्यादा ऐसा आता है। सो राइटिंग कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, आपके मेडिकल में इस टॉपिक पर सवाल पूछने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। सो मैंने क्या लिखा, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे सभी लोग कौन बताएगा? 113 एक एटॉमिक नंबर है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 113, मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। और यकीन मानिए अगर आप एक एलिमेंट है नोन 113, मैं इसका नाम नहीं बता रहा क्योंकि नाम बताने से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपका अप्रोच देखना चाहूँगा, ठीक है? सभी लोग बताए कॉन्फ़िगरेशन बताइए।
कॉन्फ़िगरेशन बताइए, सभी लोग नॉट एग्जिस्ट, ओ डियर, कोई बात नहीं, आंसर गलती देने में कोई बुराई नहीं है, हर समझदार आदमी गलती करता है, बट समझदार वही है जो गलती दोबारा नहीं करता है। तो 118 तो होता ही है डियर, तो 114 तो होगा ही होगा, ठीक है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, लिखा नहीं जाता, ओके, लास्ट का बताइए, मुझे कौन बताएगा, मैं इसका पहले आप, क्योंकि आप तो ये बिल्कुल ड्रॉपर बैच के लिए है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ पी ब्लॉक का तो होगा, ठीक है, मुझे यकीन है आप हर बच्चा सही करेगा इसे। मुझे इसके पहले का नोबेल गैस कौन आएगा डियर, इसके पहले का नोबेल गैस कौन आएगा, जीनोन 86, तो सबसे पहले जीनोन को लिख देंगे, जीनोन को, ठीक है। चलिए मैं आपको एक पहले मेडिकल का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो ट्रेंड आता है आपके एग्जाम में, यही कई बार आ चुका है। जनरल रूल क्या है डियर फिलिंग करने का, सबसे पहले उसका जो पीछे वाला नोबेल गैस होता है उसको लिखते हैं, ठीक है, जैसे इस केस में हम 86 लिखेंगे, बहुत अच्छे। तो अरे 114 इलेक्ट्रॉन में, 113 इलेक्ट्रॉन में 86 इलेक्ट्रॉन का तो काम ही हो गया, टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एस और पी, ऑर्बिटल तो चार ही हम पढ़ते हैं ना, एस पी डी एफ, तो हाईएस्ट किस में जाएगा, एस और पी में, और उसके बाद एन माइनस डी, और उसके बाद एन माइनस टू। आपके मेडिकल में तो यह भी पूछा जा चुका है फिलिंग ऑर्डर, और आपको पता है ना अगर एन आउटर मोस्ट सेल है तो इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और एन माइनस वन को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, और एन माइनस टू को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल, यहां पे कुछ गलत लिख, एंटी पेनल्टीमेट बोला जाता है ना, अगर कोई एटम है और ये आउटर मोस्ट सेल है तो दिस इज वैलेंस सेल, दिस इज पेनल्टीमेट सेल, एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट सेल। दिस टाइप ऑफ टर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये फिलिंग ऑर्डर बच्चे कभी मत भूलिएगा, एस और पी हाइएस्ट वैलेंस सेल का होगा, और एन माइनस वन डी का आएगा, और एन माइनस टू एफ का आएगा। तो इस केस में जो एलिमेंट था 113, सबसे पहले जीनोन, तो 86 इलेक्ट्रॉन का काम हो गया, हमारा काम कितना आसान हो गया। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए डियर, मुझे कौन बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन बच गए जो हमें हमारा हिसाब लगाना है। सो 113 में से 86 गया, सो 14 प्लस 13 ऑलमोस्ट 27 इलेक्ट्रॉन और बच गए मात्र। तो देखते हैं, अब देखो बच्चे कितनी गलती करेंगे, 27, मुझे सभी का आंसर चाहिए इस 27 इलेक्ट्रॉन के लिए, यही तो गलती होती है, ठीक है। तो सिक्स पीरियड तो फुल है ना डियर, सिक्स पीरियड, तो ये एलिमेंट कहाँ आएगा, सेवेंथ में, कहाँ आएगा, सेवेंथ में, तो हाईएस्ट वैल्यू एन की क्या है, सेवन, तो सेवन एस होगा और सेवन पी होगा, और एन माइनस वन क्या हो जाएगा, सिक्स, तो सिक्स डी होगा और फाइव एफ होगा। शुक्र है इलेक्ट्रॉन इसी चार में तो जाता है, ठीक है। जीनोन रेडोन राइट नॉट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, अब ये मायने रखता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, इसी पे क्वेश्चन गलत होगा, इसी पे क्वेश्चन गलतियां होती है और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। मुझे कौन बताएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा डियर, कौन बताएगा, जीनोन के बाद एफ में, डी में, एस में, पी में, कौन बताएगा। अच्छा रेडोन होगा, अच्छा जीनोन का 54 होता है ना, जीनोन रेडोन, अरे थैंक यू, 86 रेडोन का होता है, मैं गलती कर रहा था, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इजी है ये, ठीक है, ये मैं गलती कर रहा था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा रेडोन है 86, मैं बार बार उसे गलत समझ रहा था, ठीक है। सो अब देखते हैं रेडोन, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब n प्लस एल रूल को लगाइए, n प्लस एल, आप क्वांटम नंबर पढ़े होंगे ना, तो n की, l की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या होता है, s, दिस इज p, दिस इज d एंड दिस इज f, ये आपको आता है ऑलरेडी। तो n प्लस एल क्या है इसका, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, क्या है इसका, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, फिर क्या है, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, फिर क्या है डियर,
7+1=8, ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हर नेचर में हर चीज लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, और यही तो था लोएस्ट एनर्जी। देखिए हर बच्चा 5F कह रहा है, कैसे होगा डियर, ये मैं नहीं, आपने जहां पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये उसका रूल है। प्रदीप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सो देखिए आप यहां पर N प्लस L सबसे छोटा किसका है, 7s का, इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 7s में, और ये मैक्सिमम कितना ले सकता है, 2, ठीक है। इसके बाद कहां जाएगा, 7s में जाएगा। भाई इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, एक बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे ऑफ वाओ, उन्होंने ये कहा था। मैं कौन होता हूं केमिस्ट्री बनाने वाला, हम लोग तो सिर्फ उनके रूल को पढ़कर न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। तो साइंस इन्होंने बनाया। सो एन प्लस एल, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है। सो लोएस्ट सबसे कौन है, 7s। इसके बाद अरे ये तो तीनों का कॉन्साइड हो गया, वंस अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर मेडिकल का क्वेश्चन। अगर जब एन प्लस एल कॉन्साइड हो जाए तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसकी एन की वैल्यू सबसे कम होती है, तो यहां जाएगा। सो 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, मैक्सिमम 14, और ये 10 लेगा। तो देखिए डियर कितने इलेक्ट्रॉन का आपने नंबरिंग कर दिया, 14+12=26, कितना हो गया, 26। तो कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए मुझे बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए, ये ठीक है ना, 2 यहां जाएगा, इसके बाद आपका कहां हो जाएगा, 14 यहां चला जाएगा, 10 यहां चला जाएगा, तो कितने हो गए हमारे, 26। अब यहां पे बच गया 1, यही तो रूल हुआ, ठीक है। तो आप छोटे क्लासेस से एक रूल पढ़ के बैठे हो, अच्छा आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का होगा, अरे ये तो तब बता पाओगे ना जब ये लिखने आएगा, लिख नहीं पाओगे। और मैं अभी आपको इतने को आपको मैं चाहे जितना भी प्रैक्टिस करवा दूँ फिर भी आप गलती करोगे, क्योंकि ये नेचर है और नेचर को एक रूल में नहीं पढ़ा जाता है। मैं क्या, कोई नहीं पढ़ा सकता, और अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। एक दिन में इनऑर्गेनिक सीखी नहीं जा सकती, ठीक है। ये नेचर को कोई एक प्रोडक्ट एक रूल से कोई नहीं पढ़ सकता। सभी को क्लियर है डियर, 7s में पहले आएगा, इसके बाद 5f, देन 6d, 26 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बच गया तो 7p का चला गया। ये कितने लोगों को क्लियर है एक बार बताइए, या दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मार्वेल बिल्कुल आप बताइए। चलिए ओके देखते हैं, यहां पर सबसे पहले 7s में गया क्योंकि इसका n प्लस l की वैल्यू सबसे कम थी और s 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था। इसके बाद सभी की n प्लस l रूल सभी का कॉन्साइड कर गया, तो ये एक रूल है कि n प्लस l जब कॉन्साइड कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां जाता है जिसका n सबसे छोटा होता है, तो फिर f में जाएगा, F14 ले सकता है, D10 ले सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ, ये प्रायोरिटी लिस्ट है। और इस हिसाब से नाउ दिस एटम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर पी ब्लॉक, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 7, सो इट्स एलिमेंट ऑफ 7th पीरियड एंड इट्स ए ग्रुप नंबर इज 13। तो ये तो तभी पढ़ पाओगे ना जब ये लिखना आएगा, जब लिखे नहीं पाओगे तो बताओगे कैसे। तो सिंपल दिखने वाला सवाल आपके नीट में सबसे ज़्यादा आया है। ओके बेरा, गुड इवनिंग। ओके आई होप आप सबको आगे ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे प्रदीप, तो ये क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर होगा, इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसका डायरेक्टली लिंक्ड है, तो पीरियोडिक टेबल हो सकता है आपको कई बार लगे कि मैं इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट अगर पीरियोडिक टेबल आपका बहुत अच्छा है तो आप कई सारे चैप्टर के क्वेश्चंस और कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे दिखाऊंगा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है, 24 से हमारा एक स्पेशली ड्रॉपर बैच के लिए एक नीट का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ऑनलाइन उसकी सारी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं और नेट पर इसका आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं, इसके कोर्सेज का, ठीक है। 24 से हमारा एक बैच आ रहा स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट 2017 का एक सवाल है,
सो सिंपल। देखिए इसी फॉर्मेट में है ना जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। दुमेंद्र आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगा डियर, ठीक है, सारा चीज। अच्छा, इलेवेंथ मार्बल आप डियर आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, ऑफिस से रिक्वेस्ट करो कि मुझे ऐसे भी चाहिए, तब वो आपके लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। देखिए कितने सिंपल हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छा। इमाम चौधरी ने एक आंसर दे भी दिया, जेई, अच्छा जेई का भी आ रहा है डियर। चलिए, द एलिमेंट जेड 114, क्या बात है, हैज बीन डिस्कवर्ड। मैं देखिए इसको एक नए अंदाज में बनाऊंगा, बहुत सिंपल अंदाज में। कितना आसान सवाल होता है, हर समय लॉजिक जानना जरूरी नहीं, कई बार आपका आईक्यू से क्वेश्चन आ जाएगा। सभी लोग, क्या मुझे ये चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है जब स्क्रीन पर सारे बच्चों के आंसर एक आते हैं। कोई बात नहीं, एक बच्चे का आंसर अलग आया, बी, देखते हैं क्या है, पता नहीं। देखिए, अच्छा कितने लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, कौन बताएगा मुझे, फिर से ईमानदारी से मैं एक टेस्ट ले रहा हूं, कितने लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश की? नहीं लुकेश्वर, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब सब मैंने आई सी, बहुत अच्छा, सभी लोग बता, कितने बच्चे, कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं है। आप देखो कई बार आईक्यू लगाना बहुत जरूरी होता है, और टॉपर से टॉपर बच्चे इस तरह की चीज़ें सीखने की बहुत कोशिश करते हैं। जिन्होंने नो कहा, शायद आई होप 18 ग्रुप का आखिरी एलिमेंट कौन था डियर, 118, तो 17th ग्रुप, 16th ग्रुप, 15th और 14 और 13, इतने ही तो ग्रुप होते हैं ना पी ब्लॉक में, 6। अरे तो आप इस सो सकते, 118, 117, 16, 115 और 114, 14th ग्रुप का है, पीछे घट जाना था, कुछ तो है ही नहीं इस सवाल में, क्या बात है पारस, नो नीड। तो बच्चे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, 180 क्वेश्चन सॉल्व कर, तो इसलिए टाइम बचाइए, ठीक है, अपना आईक्यू लगाइए। कई बार कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब कोई आपसे पूछे, मेडिकल में पूछा गया है 11, तो किस फैमिली का होगा डियर 114? देखिए किसका आ रहा है, कार्बन फैमिली, कहाँ आ रहा है, कार्बन फैमिली। आप इसको देख लीजिए एक बार, क्या आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन फैमिली। तो ज़्यादातर बच्चे आंसर क्या दिए रहे थे, देखिए इसमें कोई ट्रिक है क्या, आपके सामने आपके दोस्त देखे गलतियां कर रहे थे, कई लोग आंसर सी कर रहे थे, कई लोग डी कर रहे थे। अरे ये हो गया आपका नियोन फैमिली या हीलियम फैमिली जिसे कह सकते हैं, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया बोरोन, तो 114 किसका है, कार्बन फैमिली, करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए आप खुद सोचो, इतना आसान सवाल, और आप कितने लोगों ने ये पढ़ रखा है, फिर भी आपने गलती किया, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आज सीख लीजिएगा, ठीक है, आज के बाद दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ये ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप जो है ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ मैं सेवन्थ पीरियड की अगर बात करूँ तो इसमें 118 आता है, तो ज़रूर इसमें 117 एटॉमिक आएगा, 116, 115 और 114। तो भाई 114 कार्बन फैमिली का है, इतना क्या करना है। और एक बच्ची जो अभी लेडी हार्डिंग में पढ़ रही है, वो इस ट्रिक को बहुत इस्तेमाल करती थी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आप कभी इस तरह की गलतियाँ मत कीजिएगा। तो कई बार, और कितने लोग हैं अब सोचो, आपको लगेगा एक टीचर आपको ऐसे भी बता सक, मैं किसी की बुराई कभी नहीं करता, बट बच्चों का ट्रेंड क्या होता है, ओ मैं तो रट गया, होली नहीं खेलेंगे, रूस से फ्रांस, हीलियम, हाइड्रोजन, बच्चे इन चीज़ों में मत जाइएगा। आप उस पढ़ाई को ज़्यादा पढ़िए जिससे आपका आंसर करीब आए, गुड फील में मत रहिए, आपको लगेगा आपको बहुत आता है बट आपको बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। तो इफेक्टिव पढ़ाई पढ़िए जिससे वो पढ़ाई जो आपके एम के करीब आपको ले जाए, जो एम्स में एंट्री दिलवाए, जो नीट में एंट्री दिलवाए, और मेहनत कीजिए, गलतियों से मत डरिए, हर गलती का सॉल्यूशन निकालिए। चलिए, दो क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन AIPMT 2002।
सर इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। अच्छा वो टू था डियर, हो सकता है वहाँ गलती कुछ लिख दिया गया होगा, टू था वो, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मैं आप ऑप्शन में देखिए, कई बार प्रिंटिंग में एरर हो जाता है, नीट 2017 का ये सवाल है, आपको नेट पे ये मिल जाएगा, सो मत घबराइए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई को और बना के आपको दिया जा सके। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सी द सिंप्लिसिटी ऑफ क्वेश्चन। CBSE AIPMT 2002 नीट और एम्स में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या है इसमें, सभी लोग बताइए, सभी लोग, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए, हर बच्चे का, गलत हो या सही हो बात की बात है, क्या बात है। देखिए बच्चे खुश हो रहे हैं, तो कुछ बच्चों का आंसर ए आया जिसमें प्रदीप है, पिल्ली, लक्ष्मण का बी आया, हाँ डियर इमाम चौधरी इनऑर्गेनिक मैं पूरी पढ़ाऊंगा, मार्वेल 23 कहाँ था बच्चे, प्रियम ए, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए, शत्रुघ्न ए, डी 6P, सिर्फ ग्रुप पूछा है, ए इसका राइट आंसर क्या है डियर, ए। आप देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्या है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 18 और 3 क्या हो गया 21, और 21 प्लस 2 कितने आ रहे हैं, 21 प्लस 2 कितना 23। तो 23 किसका होगा, आप खुद जोड़ लो, स्कैंडियम का 21 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 22, 23, और इसके पीछे कैल्शियम 20 होता है, और इसके पीछे पोटेशियम 19 होता है। अरे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव क्या है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी ज़रूरत है क्या, ठीक है ए। आप अपना IQ बहुत तेज़ी से इसमें इस्तेमाल किया करो इस तरह के क्वेश्चनों में, और मैं ठीक है वेनेडियम बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा बहुत आसान। अच्छा पोटेशियम 1 होता है, 2, 3, 4, 5 हो गया बिल्कुल फास्ट। इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कई बार खुशी में गलती हो जाती है, Z+18 वाले क्या, मैं समझ नहीं रहा, बताऊंगा इमाम सब कुछ बताऊंगा, पीरियोडिक के जितने लेवल आप ऊपर जाना चाहोगे मैं वो भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं आपको एग्ज़ाम के करीब, रविंद्रा सी नहीं होगा डियर, ए होगा, बिकॉज इट्स बिलोंग टू फिफ्थ ग्रुप, इट्स एलिमेंट इज वेनेडियम हैविंग एटोमिक नंबर 23। सो नेक्स्ट वंस अगेन, क्या क्वेश्चन है, 96 द एलिमेंट विद द एटोमिक नंबर, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो अब देखो इस तरह के सवाल तो हर किसी का सही होगा। ईमान, अनवेश, ओके अनवेश, हम साथ में मेहनत करते रहेंगे, फिर मुझे बिल्कुल नाम याद हो जाएगा, ये तो मुझे किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं चाहिए। तो बच्चे ये वही क्वेश्चन है जो नीट का सिलेक्शन मार्क्स ऊपर उठाता है, क्योंकि ये किसी का गलत ही नहीं होगा। आयुष बच्चे आपने शायद पहले आंसर कुछ और किया था, अरे 118 मतलब 18 ग्रुप मतलब नोबेल गैस, जस्ट एक मजाक था एक क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन है जो नीट के सिलेक्शन मार्क को ऊपर ले जाता है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे, बहुत स्लिम, देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों से खुश मत हुआ कीजिए, ये आप नहीं हर कोई सही करेगा, ठीक है। आरती बच्चे आप देख लीजिए इसमें क्या गलतियां हो गई, ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है इस क्वेश्चन को बनाइए। ये 95 में था, थोड़ा दिमाग लगाया, बट आज मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी दे दिया है स्क्रीन पे, हाँ बिल्कुल मार्वेल, नाम बहुत अच्छा है आपका, ठीक है मार्वेल बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए, अब देखिए पढ़ने में इतना बड़ा सवाल और है कितना आसान, सभी लोग बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ये। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एवव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैं अभी जो डिस्कस किया उसी कॉन्सेप्ट को इसने मर्ज करके कुछ पूछ दिया, और मुझे नहीं लगता इसमें भी आप फंसिएगा, आप तो समझदार हैं आप कर लेंगे।
अच्छा मैं पहले इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जोड़ देता हूँ, 10 + 2 = 12 + 3 = 15। अच्छा तो जो एलिमेंट है वो फास्फोरस है, जो गिवन एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो इसके नीचे वाला कौन होगा, इसके नीचे वाला कौन होगा? अभी पढ़ा है डियर, गलती मत करना। मैजिक नंबर ये किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड है ना, फास्फोरस, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन। ये होता है सेकंड पीरियड का। अरे मैजिक नंबर 288, तो इसमें प्लस ऐड तो हो ही चुका था, फिर से 8, यहाँ पे 8 प्लस 18 करना है, मैजिक नंबर क्या बन रहा है, 33। और इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी भी पूछ चुका है, मेडिकल भी पूछ चुका है, ठीक है। सो ये था फास्फोरस, और फास्फोरस के नीचे 18 होगा, तो 18 होगा, 18 सम हो जाएगा, क्योंकि अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, थर्ड पीरियड 15, ओके, तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते होंगे, उतना ही तो ऐड होगा, तो आप इस तरह से भी आगे चल सकते थे, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका काम बन जाएगा। चलिए तो आंसर क्या होगा, 13, सिर्फ 18 ऐड करना था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आंसर इसमें सही कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है एक और क्वेश्चन, मैं जानबूझकर इस कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चन, हाँ अभिषेक बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग बताइए, देखिए क्या सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो घबराने की बात नहीं है, नहीं बनता है पूछिए। देखिए क्या मैं बोर्ड साफ भी नहीं किया, बच्चों के आंसर आने लगे, तो मैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर। ये तो बहुत आसान से सवाल हो गया, सभी लोग बताइए। सभी लोग आगे आंसर, सभी लोग, अच्छा ये कौन है डियर, आप खुद जोड़ सकते हो, ये कौन सा है एटॉमिक नंबर जिसका 30 है, ये जिंक है, ये कौन सा है, जिंक, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा है, मरकरी, ये कौन सा है, मरकरी, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा है, आप देख सकते हो 2 है ना, ये कैडमियम है, कैडमियम है, ठीक है। कई सारा ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ, ओके मार्बल कोई बात नहीं, घबराइए मत। सो जिंक कैडमियम मरकरी, अरे ये डी ब्लॉक के ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ठीक है। और ये कौन है, ये तो ऐसे ही दिख रहा था, ये क्लोरीन है डियर, ये कौन है बीच वाला, क्लोरीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या है, सी, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा आप खुद भी कर सकते थे, आर्गन का एटॉमिक नंबर जोड़ो, कितने होते हैं इसका 18, 18 और 10 30, तो जिंक बन गया, 30 में 18 और जोड़िए, क्रिप्टन क्या होता है 54, 54 प्लस 10 क्या हो गया, तो 44, तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते थे, ठीक है। तो आपका ये टास्क रहा, जिंक कैडमियम मरकरी, ये पहले 18 जुटा फिर 32 जुटा, आपको नंबर से भी दिख जाता। तो मेडिकल में हर तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और कई बार इसको डी ब्लॉक का क्वेश्चन कह देंगे, तो ऐसा नहीं है, आपका पीरियोडिक अगर अच्छा है तो ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैं एम्स का भी करवा ही देता हूँ, ये एम्स 2010 का क्वेश्चन है, बनाइए, ये एम्स का है, एम्स 2010, सभी लोग बनाइए, सभी लोग। अब देखो कितना आसान सा सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, नीट, अरे बच्चे, अच्छा पिछले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डील कर दूं, आप सभी लोग बनाइए, मैं आपको इनको कुछ पिछला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और बहुत अच्छा सवाल भी, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आसान सा है। अच्छा सबसे पहले मुझे कौन बताएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, कौन बताएगा?
अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। तो एम्स ने थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कुछ उसने अलग कर दिया। सभी लोग बताइए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये कितनों से क्वेश्चन हो गया बताइए सभी लोग। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है, जैसा जॉन बोल रहे हैं, द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस एंड पी ग्रुप। तो इसके नीचे रियर नोट कर लेना, रिप्रेजेंटेटिव मतलब एस प्लस बी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? एस और पी को साथ में। तो डी और एफ को कंक्लूड नहीं करेंगे। तो अपने आप में एक अच्छा सवाल था। अब देखो, ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एम्स का सवाल है, ठीक है। तो देखिए, थ्री कहाँ का है? थ्री आपका 1, 2, 3 एस ब्लॉक का। ये भी कहाँ का हो जाएगा? पी ब्लॉक का। ये सारे के सारे एस और पी के हैं। अरे देखो, अभी मैंने इतना क्लास लिया, 86 जीनोन का है, 86। तो इसका मतलब ये कहाँ का हो गया? 86 जीनोन, तो 87 कहाँ होगा? एस ब्लॉक। ये भी क्लियर है। 53, 54 किसका होता है? नोबेल गैस का। कौन होता है वो? रेडोन। तो 53 जरूर इसके पहले वाला होगा। ये भी पी ब्लॉक। ये भी किसका है? ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। ये किसका है? 36, है ना? ये कहाँ का होगा? पी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। तो इसमें दो एस ब्लॉक और दो पी ब्लॉक। तो मुझे एक ऐसा पढ़ना था, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें सारे के सारे एलिमेंट एस और पी के हों। देखिए क्या ट्रिकी सवाल था। तो सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन ये आपसे पूछ गया। तो अब इसको कोई एस ब्लॉक में रख दे, कोई पी ब्लॉक में रख दे, ऐसा नहीं है। ये पीरियोडिक का ही क्वेश्चन है डियर। 33 देखे ना, 36 किसका होता है? जीनोन का। तो 36, 35, 34, 33 अरे पी ब्लॉक का ही तो होगा, ठीक है। इसमें क्या कन्फ्यूजन है? 33 में 18 घटा दो, ऊपर के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मुझे नहीं लगता एस ब्लॉक का होगा ना, पी ब्लॉक का होगा ना 33। इसमें ऐसा क्या सवाल आ गया? 33 किसका होता है डियर, बताइए सभी लोग? आर्सेनिक, फॉस्फोरस के नीचे होगा ना, आर्सेनिक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे बताइए। तो देखा, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। क्या पूछ रहे हैं ईमान? आप पूरी ऑनलाइन फ्री में कराओगे डियर? देखिए, चैप्टर तो ये मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। बाकी हमारा कोर्स जो आ रहा है उसमें शायद हम आएंगे, हम लोग पढ़ाई मिलेंगे, ठीक है। सो आप ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मीन्स एटम बिलोंग्स टू ओनली एस एंड पी। नहीं सत्यजीत, पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बुक है, मैं आपको दिखाता हूं। पीरियोडिक टेबल रटने से आपको गुडविल फैक्टर आएगा, आपको लगेगा कि आपको बहुत आता है, बट रियली में वही चीज़ें ज़्यादा काम आएगी जो आपको यूज करोगे। तो अगर ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास, तो आप उसे, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, ये पीरियोडिक टेबल अगर है तो अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल रखिए। और ऐसी वैल्यू जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, क्यों? क्योंकि कॉपी के किसी भी पार्ट से यहाँ पे आना आसान होता है। तो जिस चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा काम आएगी। और वरना रटने में सिर्फ गुडफिल देगा, शायद समय पे धोखा दे जाए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोई भी वैल्यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको भूलने का डर है तो कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखा कीजिए। कॉपी के किसी भी पेज से वहाँ पर जाना बहुत आसान होता है, और उसको इस्तेमाल कीजिए। और आपको समय लगेगा, बट जिस दिन जो चीज़ इस्तेमाल के कारण याद होगी, वो जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बट अगर आप ट्रिक रटे हुए हो, उस समय पर धोखा ही दे जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर मैं आगे करूँ। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है ना? तो मैजिक नंबर, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, सिंपल सी दिखने वाली चीज़ें, देखिए आपके मेडिकल में कम से कम मैंने 7 से 8 सवाल मैंने बना दिया। राकेश, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस एंड पी ब्लॉक, ओनली एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ सेल एंड फुली फिल्ड सेल, ये आज के लिए बिल्कुल
लास्ट टॉपिक होगा और ये बहुत मज़ेदार है। समय कम है हमारे पास, अगली बार मिलेंगे इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके मेडिकल में कितने क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा, ठीक है, 150, ठीक है। देखिए, मुझे कौन बताएगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डीफ F7 और F14 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और F3 या छोड़िए, D3 या D2 और D5 में ज़्यादा स्टेबल कौन है, पहले इसका आंसर दीजिए। कई बार ना चीज़ें F14, बहुत अच्छा, सभी को लग रहा है ये ज़्यादा स्टेबल है और इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है, फैक्टर कौन बताएगा मुझे, इसका फैक्टर बताइए, क्यों ज़्यादा स्टेबल है ये, क्यों ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं, यहाँ पे बताइए रीज़न, बताइए दोनों का, एक इसका और एक इसका, दोनों का रीज़न बताइए। तो यहाँ पे बच्चे क्यों गलती करते हैं, आज आपको ये समझ में आएगा। हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, फुली फील्ड है। बट बच्चे सिर्फ यही रीज़न नहीं होता है, रीज़न और भी होते हैं, ठीक है। और इसलिए हम सिर्फ, हमें ये आदत होती है देखने की, और धीरे धीरे यही सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ने में हम तो दम ही तोड़ देते हैं, ठीक है। बट पी ब्लॉक और डी ब्लॉक सबसे ज़्यादा अप्लाइड केमिस्ट्री है, विजुलाइज करना टफ है। तो मुझे कौन बताएगा वो कौन से 3 फैक्टर है जो आपके सिलेबस में मेंशनड है, बहुत अच्छा, 3 फैक्टर है विच विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कौन कौन से, कौन कौन बताएगा वो, ये भी आपके चैप्टर में है, एनसीईआरटी में मेंशन है बट ग्रीन बॉक्स में है, लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं आपको आज दिखाता हूं, 5 मिनट का टाइम बच गया, शायद मैं एक डिस्कस कर लूंगा। एक है एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा है सिमेट्रिसिटी और तीसरा है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबसेल क्यों होता है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट फैक्टर इज सिमेट्रिसिटी, और ये क्यों होता है, नेचर लाइक सिमेट्रिक, नेचर लाइक सिमेट्रिसिटी। हमें भी जनरली वो डिज़ाइन पसंद आता है जो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, हमारा नेचर लाइक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, जो मैं ये शर्ट भी पहना हूँ ये सिमेट्रिक है, हमारा चेहरा, इवन हम उस चेहरे को भी ज़्यादा पसंद करते हैं जो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। तो सिंपल सा नेचर है, नेचर लाइक सिमेट्री। और सिमेट्री सिर्फ 2 सबसेल में हो सकता है, एक हाफ फील्ड और एक फुली फील्ड। दैट्स वाई हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबसेल्स आर मोर सिमेट्रिकल देन एनी अदर कॉन्फिगरेशन, हेंस मोर स्टेबल, क्लियर है। इसीलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होते हैं, और इसमें बच्चे जल्दी गलती नहीं करते हैं। गलती होती है यहाँ से, एक्सचेंज एनर्जी से। तो रूल नंबर 2 है ये, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल में हम चले जाएंगे इफेक्टिव नंबर पे। तो जैसा आप कहिए, मैं अगली क्लास में ही इसको स्टार्ट करता हूँ, टाइम होने वाला है, मैं कुछ बात कर लेता हूँ आगे की क्लास के लिए, ठीक है। हम क्या डील करेंगे, हम आगे की क्लास में जेड इफेक्टिव पढ़ेंगे। और कोई बता सकता है जेड इफेक्टिव का इंपॉर्टेंस क्या है, जेड इफेक्टिव, क्योंकि अब मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कई लोग इसे नहीं पढ़ाते हैं ये कहकर कि इसके ये क्या है सिलेबस के, ऐसा नहीं है। आपको पता चलेगा वन ऑफ द मोस्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, अरे उसे हटाना होगा मुश्किल, अगर हटाना होगा मुश्किल तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और खुद के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर करेगा ज़्यादा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द फंक्शन ऑफ IE and EA, इन शॉर्ट जेड इफेक्टिव डिक्टेट्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंड एफिनिटी,
ये तीनों डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे। अरे तो हम इसे पढ़ेंगे क्यों नहीं? और जेड इफेक्टिव नहीं पढ़ने के कारण ही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में रटना पड़ता है, ठीक है? तो जेड इफेक्टिव को हम मिस नहीं करेंगे और अगली क्लास में, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आयोनाइजेशन पे आएंगे और शानदार तरीके से देखेंगे। आपको आयोनाइजेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी क्वेश्चंस का आप मैथमेटिकली बना दोगे। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? एफिनिटी मैं श्योर करता हूँ, उसके बाद अगले क्लास में जेड इफेक्टिव के बाद आयोनाइजेशन स्टार्ट करेंगे और कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोगों को कभी कोई एरर रटने की ज़रूरत आयोनाइजेशन एफिनिटी में नहीं पड़ेगी और मज़ेदार अंदाज में इसमें बात करेंगे और हम अगली क्लास में मिलते हैं, ओके? चलिए, आप इस याद रखिएगा और जिनको इंटरेस्ट है एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, ये एक रैंक अप हमारा जो स्टेप अप नीट लॉन्च हो रहा है ड्रॉपर बैच के लिए, आप इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं या ऑनलाइन एक्सपीरियंस के लिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, ओके? तो आप खूब पढ़ाई करते रहिए और ग्रेडर के साथ जुड़े रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।